Hello everyone, welcome you all again to MSCT online classes. So today we will discuss about the next part that we have studied earlier. We have studied whether there exists any natural number between two consecutive natural numbers. So tara answer kon thila no. Dui ta pakha pakhi natural number bitare konosi natural number exist karibo nahi. But here today we will define whether there exist two or whether there exists a rational number between two rational number. It is our task to justify. Tale kon ame bartan likheba question kon am pakre achi whether there exists any rational number between two rational numbers. मु तुमको कही रखे सब मन रख दुईटा रेशनाल नंबर भितर मिनिमम गोटे रेशनाल नंबर एक्जिस्ट करुच्ची तो बर्तमान देखा एक्चुअली करुच्ची जदि किए सीए केमी तक आम डिराइव करवा है सो फॉर दिस वी हैव टू टेक एन एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल सपोज आम गोटे एग्जांपल ना दुईटा रेशनाल नंबर ना भितर आउ गए रेशनाल नंबर अच्छी ना देखा मन कर गोटे एग्जांपल ना ए इज इक्वल टू 1/2 ओके एनदर एग्जांपल हमें नबा बी इज इक्वल टू 2/3 सो हमें कौन करबा एटी केतरा रेशनल नंबर बाहर करबा सपोज क्वेश्चन अछि 2 रेशनल नंबर को बाहर करबा ओके तले हमें कौन बाहर करबा फर्स्ट रेशनल नंबर बाहर करबा त के से फर्स्ट रेशनल नंबर ता x1 एमिति लिखा जाय तले x1 ता कोन ना फर्स्ट रेशनल नंबर का का भितरे बिटवीन 1/2 एंड 2/3 1/2 और 2/3 भीतर रेशनल नंबर टा किए ना x1 तल ता फार्मूला कोन हम बटन देखिबा ना हाफ इनटू ए प्लस बी ए किए 1/2 बी किए 2/3 सो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन तले केते पुट करबा हाफ इनटू 1/2 प्लस 2/3 केते हबो हाफ इनटू 2 3 एल सेम आला 6 6 से 2 डिवाइड करले 3 1 जे 3 6 3 रे डिवाइड करले 2 2 2 जे 4 सो केते आसला ना हाफ इनटू 3 प्लस 4 जे 7 बाय 6 7 1 जे 7 6 2 जे 12 सो द नंबर इज 7/12 तले 1/2 और 2/3 भीतर जो नंबर बा जो रेशनल नंबर एग्जिस्ट करछि सेटा की है 7/12 तले हम लिख परबा हेंस 7/12 क्या क्या मझे रोक ना यही दुईटा रेशनल नंबर मझे रोक क्या भितर ही एक्जिस्ट करु मझे तो रहा लेफ्ट किए रईट किए रहा कमी जाना सब देखा भितर बड़ किए आग एज वी हैव नोन हाउ टू फाइंड आउट द लार्जर नंबर और द स्मॉलर नंबर अमंग टू फ्रैक्शन केमती ना आम कौन कर क्रॉस मल्टीप्लाई करदे 3 1 जा 3 2 2 जा 4 तले बड़ किए आसला 4 तले बड़ किए हम 2/3 तले किए हम 1/2 तले लिख परबा जे 2/3 होची बड़ काठरो 1/2 उठरो तले ग्रेटर देन सिंबल कोड को रहइबो जे बड़ के बड़ ए बड़ तले ग्रेटर देन सिंबल कोड को रहइबो सेपट को रहइबो तो बुझियाला त यार लेफ्ट तले के रहइबो 1/2 त राइट रे के रहइबो 2/3 को चिन्ह बसइबो इंक्रीजिंग ऑर्डर बुझियाला इंक्रीजिंग ऑर्डर माने सानरु बड़ सब बड़ किए थी 2/3 सान किए थी 1/2 मझे किए एक्जिस्ट कर 7/12 फास्ट रेशनल नंबर ओके डन कि बर्तन आम देखा गोटे तो पाईला गोटे भी दरकार सेकेंड सेकेंड रेशनल नंबर टाइम कौन धरवा x2 सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन क्या भर बर्तन बाहर कर देख आम चाहे 1/2 और 7/12 भितर भी रेशनल नंबर बाहर कर पारे आम चाहे 7/12 और 2/3 भितर भी रेशनल नंबर बाहर कर पारे जोटा तुमको इजी हम यू कैन फाइंड आउट दैट नंबर ओके मन कर आम बाहर करवा 1/2 एंड 7/12 भितर तले ए क्या कह 1/2 कह बी क्या कह 7/12 को कह तार फर्मूला कौन है सेम हाफ इंटू ए प्लस बी के देखा
हाफ इनटू ए जाए रिपोर्ट करिया 1/2 बी जाए रिपोर्ट करिया 7/12 ताले केते हला 1/2 इनटू 2 ऑफ 12 हला सेम हला 12 12 रे 2 डिवाइड कला छ 6 6 1 जा 6 12 रे 12 डिवाइड कला 1 1 7 जा 7 प्लस ला 1/2 इनटू 13/12 केते आसला 13/12 टू जा 24 सो 13/24 इज एनदर रैशनल नंबर का का भीतर एटा बाहर लरे तो 13/24 टा मझे रहबो का का मझे ना 1/2 आ का मझे 7/12 मझे रहबो कहिंग ना इट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 7/12 हम इट लिखी छे ओके को सिंपल रहबो इंक्रीजिंग ऑर्डर ठीक अछि त टिक के ऊपर देखो 7/12 टा पण काठ रसन नथिला 2/3 टा रसन नथिला तले सबटु बड के थिला 2/3 थिला तले एटा लिख दबो इज लेस देन 2/3 तो बुझी गेला ना सब बेले एंतिका हेंस बा अतय लेखिबो एउटु हमें लास्ट को कोन कदले कंक्लूजन पाइले ना हम कोन दरकार थिला ना 1/2 आ का भितरे 2/3 भितरे केतरे रेशनल नंबर देखिवार थिला दुइटा रेशनल नंबर से रेशनल नंबर ताले के बाहरला गुटे 13/24 आ उठे के बाहरला 7/12 तो बुझी गेला एटा बहुत इजी मेथड तुम्हें फर्मुला मन रख दल केमती बाहर ना हाफ इंटू ए प्लस बी तो एमती आम चाहे केत रेशनल नंबर पाई इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर पाई देख जी थार्ड रेशनल नंबर किए तो आम कौन करते या भितर हम तो बाहर करते था थार्ड रेशनल नंबर कौन कह जाए x3 आम चाहिए ये दुटा नंबर भर रेशनल नंबर बाहर करते आम चाहिए ये दुटा नंबर भर रेशनल नंबर बाहर करते जोटा आमको इजी हम जोटा कैलकुलेशन इजी हम आम सेमती रेशनल नंबर दुईटा भितर आउ गोटे बाहर करोसीजियर फॉलो करूचे केतटा रेशनल नंबर पाइबा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आम पाइबा अंडरस्टैंड देन ये तो गोटे प्रोसीजियर गला जे ए प्रोसीजियर रे आम चाहिए रेशनल नंबर बाहर कर पारिबा किंतु ए प्रोसीजियर रे कोन गोटे जिनस लक्ष्य रखुचे टिके लेंथी हो जाए एम जी दे दसटा रेशनल नंबर बाहर कर कौन होमती गोटे 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 पूरा दि पेज सरीजे आम कौन करवा आउ कि प्रोसीजर अच्छी कि फॉलो करवा सो द नेक्स्ट प्रोसीजर आम बर्तमान देखा जे आउ अलग को प्रोसीजर आम कौन करवा दुटा रेशनल नंबर भितर गोटे रेशनल नंबर गोटे रु अधिक रेशनल नंबर बाहर करवा लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल आम ना ए इज इक्वल टू 1/7 बी इज इक्वल टू 2/5 So here we will find about 5 rational number. Question it has to be first rational number bar karo. Kaha kaha bhi tare? Na 1/7 aur 2/5 bhi tare. Acha, jodi eta ame first procedure answer karta tare kemti bar karta ante? Na x1 bar karta ante, x2 bar karta ante, x3, x4 and finally x5. केतरा रेशनल नंबर बाहर करते फास्ट रेशनल नंबर बाहर करते कौ प्रोसीजर ने हाफ इंटू ए प्लस बी जोटा कि प्रोसीजर वन ओके बट हियर वी डू नॉट फॉलो दिस प्रोसीजर वी फॉलो अनदर प्रोसीजर कौन से प्रोसीजरटा देखिए टी सिंपलेस्ट ना आउ टे टफ बर्तमान कैलकुलेसन जमा पड़ो अच्छा बर्तमान ये जो दुटा नंबर आम लिखिले लिखीद ये दुटा नंबर भितर यार डिनोमिनेटर कौन सा जहाँ यार डिनोमिनेटर कौन से अच्छा यार डिनोमिनेटर कते 7 यार डिनोमिनेटर कते 5 दुटा डिनोमिनेटर सेम अच्छी कि नो दे आर नॉट इक्वल दे आर अन इक्वल सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू मेक दिस टू डिनोमिनेटर इक्वल એટલે એ દુટા ડિનોમિનેટર કો અમે કોણ કરીબા ઇક્વલ કરીબા તા મને એટી 7 અછી એટી 5 અછી એટલે એટા જેતે થીબો યે ભી સેતે થીબો દેટ મીન્સ मानक आम सम हर विशिष्ट फ्राक्शन भग्नांश में परिणत करवा केमी का आम इक्वल फ्राक्शन सम हर करवा इक्वल डिनोमिनेटर करवा केमी कर देख तो फास्ट आम एक नंबर को लिखीदे 1/7 आ गए 2/5 अच्छा तेल कौन करवा यार डिनोमिनेटर लिखा ये यार डिनोमिनेटर को लिखा ये देखिए मैंने कौन बाहर करवा एलसीएम लसा केते को करिबा 7 7 1 जा 7 इन पडला 5 5 1 1 ताले सेम केते हो 7 5 जा 35 त
ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡିନୋମିନେଟର ଆମର ଥିଲା, ସେଭେନ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 35ରେ, ଫାଇଭଟାକୁ ବି କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 35ରେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଭେନଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା 35ରେ, ଏଣ୍ଡ ଫାଇଭଟାକୁ ଆମେ ବି ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ସେମ୍ 35ରେ। ତ ବୁଝିଗଲା କେମିତିଆ କରିବା ନା, ସେଭେନରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 35 ହବ, ସେଭେନରେ ଫାଇଭ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 35 ହବ। ସିନ୍ସ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଡିନୋମିନେଟରରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଫାଇଭଟାକୁ ବି ନ୍ୟୁମେରେଟରରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 କେତେ ଆସିଲା 5, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଫାଇଭରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 35 ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇଭରେ ଯଦି ଆମେ ସେଭେନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର ଆନ୍ସର? 35 ଆସିବ। ସିନ୍ସ ସେଭେନ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ଡିନୋମିନେଟର, ସୋ ସେଭେନ ଅଲସୋ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଉଇଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁମେରେଟର। 27 ଯାଏ କେତେ ହେଇଯିବ 40। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଠୁ କ'ଣ ଦେଖ, 1/7 ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା 5/35ରେ। 2/5 ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା 14/35ରେ। ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ଥିଲା 7, ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ଥିଲା 5, ଦୁଇଟା ଅନଇକ୍ୱାଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ଦେଖ 35, ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ସେଇ 35। ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ କେସେସ୍ ଦ ଡିନୋମିନେଟର୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଟାସ୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ହର କରିବା ବା ଇକ୍ୱାଲ ଡିନୋମିନେଟର କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଡିନୋମିନେଟର କରିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଟାସ୍କ କ'ଣ? ତାପରେ ଟାସ୍କ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ନମ୍ବର ବା ଯେଉଁଟା ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆମେ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେବା କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ସାନ କିଏ ବଡ଼ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବା ନା? ଦେଖ, ଯଦି ଦୁଇଟା ରେସନାଲ ନମ୍ବରର ଡିନୋମିନେଟର ସମାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସାନ। ଏମାନଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସାନ ନା ୟାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସାନ? ତ ଯାହାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସାନ ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ସାନ ହବ। ତାହେଲେ ସାନ କିଏ ନା 5/35, ବଡ଼ କିଏ ନା 14/35। ତ ବୁଝିହେଲା, ସଜେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଆଉ 14 ଭିତରେ କେତେଟା ରେସନାଲ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବା, 5ଟା। ଆଚ୍ଛା, 5/5 କିଏ ଆସିବ 6, ତାପରେ ଆସିବ 7, ତାପରେ ଆସିବ 8, ତାପରେ ଆସିବ 9, ତାପରେ ଆସିବ 10, ତାପରେ ଆସିବ 11, ତାପରେ ଆସିବ 12, ତାପରେ ଆସିବ 13। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧା ହେଲେ ଜାଗା ଧରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଓଲଟା ଓଲଟା ଲେଖିଲି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କେତେଟା ନମ୍ବର ପାଇଲେ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ମାନେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। କେତେଟା ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେନି? 8 ରେସନାଲ ନମ୍ବର। ବଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ 5 ରେସନାଲ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର? 8 ରେସନାଲ ନମ୍ବର। ତ ବୁଝିହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କେମିତି ଦେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ? କାଲକୁଲେସନ୍ ଦେଖ କିଛି ବି ହେଲାନି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ବା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା, ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ବୁଝିହେଲା ପ୍ରୋସିଜରଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ସୋ ଦେଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ୟୁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/14, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ 11/3। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ 10 ରେସନାଲ ନମ୍ବର, 10ଟା ରେସନାଲ ନମ୍ବରକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ? X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 ଆଉ X10। ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ ପେଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା? 2 ପେଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, କି ଅଧିକା ପେଜ୍ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାର୍କ କେତେ ପାଇଥାନ୍ତେ? ସେଇ 3 ମାର୍କ ପାଇଥାନ୍ତେ। କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା, ମେ ବି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ଟୁ, ଆମ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏତ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ରେସନାଲ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବାକୁ ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିବା, ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ କରିବା ନା, ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଗ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟାର ଡିନୋମିନେଟର ଅଛି କେତେ 40, ୟାର ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ଅଛି 3। ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଆଉ 3 ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ, ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଇକ୍ୱାଲ କରିବା, ସମାନ ହର କରିବା। କେମିତିକା ନା, 14 ଆଉ 3 କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ଏଲ୍ସିଏମ୍ 3 ପକାଅ, ତାପରେ 2, 7, 1, 7, ତାହେଲେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ବାହାରିଗଲା ନା 3×2×7 କେତେ ବାହାରିଗଲା 42। ତ ବୁଝିହେଲା?
তাহলে 14 টাকে আমাকে কত করতে হবে 42 করতে হবে 3 টাকে কত করতে হবে 42 করতে হবে তো বুঝে গেলাম তাহলে 14 এর কত মাল্টিপ্লাই করলে 42 হবে 14 ইনটু 3 যা 42 যেহেতু 3 কে আমি ডিনোমিনেটরে মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে তাকে আমি কোথায় মাল্টিপ্লাই করব নিউমারেটর 3 যা কত হবে না 3 এর কত মাল্টিপ্লাই করলে 42 হবে 3 ইনটু 14 3 14 যা 42 তাহলে উপরে কত মাল্টিপ্লাই করব সেই 14 11 14 যা কত হয়ে যাবে পাকাপাকি 154 তাহলে বুঝে গেল ফার্স্ট টাস্ক কমপ্লিট হয়ে গেল ফার্স্ট টাস্ক থেকে টু মেক देम इक्वल ডিনোমিনেটর হয়ে গেল সেকেন্ড টাস্ক কোন আমরা দেখতে গেলে 11 বি ডিনোমিনেটর 42 হয়ে গেল 11 বি ডিনোমিনেটর 42 হয়ে গেল বর্তমান দেখে না কইরে সান কি কি সান হবে যার নিউমারেটর সান হইতো ইয়ার নিউমারেটর সান এটা সান কি হবে 9 বাই 42 বড় কি হবে 154 বাই 42 আমরা কেতরা রেশনাল নাম্বার দেখিয়া পড়িব 10 টা তাহলে 9 রু 154 ভিতরে 10 টা রেশনাল নাম্বার দেখিবা 9 পর কি আছে 10 11 আসে ডট 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 30 আসে পরে ডট ডট মানে কোন 11 পর 12 13 14 15 16 17 18 19 20 এতে 30 যায় কোন ডট 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 100 আসে পরে ডট 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 150 আসে পরে 150 পর 151 আসিবো তারপর 152 আসিবো তারপর 153 আসিবো তাহলে বর্তমানে আমি দেখ কোন দেখিলে 9 বাই 42 আর 154 বাই 42 ভিতরে পাখাপাখি ইনফাইনাইট নম্বর রেশনাল নম্বর আসলে কিন্তু আমি কোশ্চেন দিলা মাত্র 10টা রেশনাল নম্বর বাহির করিয়া পাই সো বুঝি হেলা কেতে ইজিলি আমি দুইটা কি তিনটা স্টেপ রে টোটাল প্রসিডিউর কো ফলো করি কি আমি 10টা কোন আমি চাইলে 100 টা রেশনাল নম্বর পাই পাই দেখ এইটি পাখাপাখি আমি 150 টা রেশনাল নম্বর পাইলো তাহলে এটা আমি কোন কনক্লুড করলে যে ए प्रोसीजर हो बस सेकंड प्रोसीजर हो जो प्रोसीजर को तुम फॉलो करछो जोड़ा तुमको प्रेफर हो छि और तुमको इजी लागो छि यू कैन डू दैट प्रोसीजर ओके तले हम कोन कंक्लूजन पाइले जे दुटा रेशनल नंबर भीतर केतरा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करछंती असंख्य इनफाइनाइट रे काउंटर रूल हे गला केतना नंबर रूल हम दैला रूल नंबर 5 सो बटन पढिबा रूल नंबर 6 तले कोन रूल नंबर 6 कहला रूल नंबर 6 कहला देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर तो बुझेला तो ये कौन कहला ना दुईटा रेशनल नंबर भीतर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमें सो अंडरस्टैंड जहाँ जहाँ आज हमें पढ़े बुझेगा सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर हाउ द रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम